ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान, हमारी पहचान। चित्रकूट में इन दिनों डकैत गुप्पा यादव का आतंक है। अब तक यह डकैत 8 लोगों की हत्या कर चुका है। आज दिन दहाड़े गुप्पा यादव ने अपने गिरोह के डकैतों के साथ मिलकर चुनाव में अपने फरमान की अवहेलना करने वाले राजा यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। चित्रकूट जनपद में पहाड़ी थाना क्षेत्र के हर्रा गांव में पुलिस की लापरवाही के चलते 50,000 के इनामी डकैत गुप्पा यादव ने आज तीसरे प्रयास में ग्राम पंचायत चुनाव में उसके मना करने के बावजूद चुनाव लड़ने वाले नवयुवक पर घात लगाकर हमला बोल दिया। दो बार डकैतों का निशाना चूक जाने से बच गए राजा यादव की किस्मत ने आज उसका साथ नहीं दिया। डकैतों ने इस बार बचने का कोई मौका न देते हुए उसके माथे में राइफल सटाकर गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस को इस इलाके में गुप्पा की लगातार लोकेशन मिल रही थी, फिर भी 8 दिन पहले गांव से PAC हटा ली गई। आज भी इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने राजा यादव की जान बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक बार देखिए, गाड़ी छड़ा इस पीर खिनी के पास, फिर दोबारा जो ना गोली चलाए तो उसके पैर में गोली लगी, तिबारा जान से मारा। आज 8 रोज पहले PAC यहाँ से उठा दी गई है। जाना रहा तो क्यों PAC यहाँ से उठाई गई कि वो यहाँ घूम रहा है? लोकेशन रोज का बता रहा है कि इस एरिया में घूम रहा है, फिर भी कोई सुनाई नहीं। यहाँ से नहीं फोन किया गया, जब यहाँ फायरिंग होने के पहले फोन किया गया कि यार गोली चलने वाली है, गोली चल गई, तब दरोगा फिर भी वहाँ से आने में 1 घंटा का मौका लगाया। चुनाव लड़ने से मना करने के बावजूद राजा यादव का चुनाव लड़ना गुप्पा यादव को बेहद नागवार गुजरा था। गुप्पा राजा यादव की इस हरकत को अपनी शान के खिलाफ मानता था और लगातार इसकी हत्या करने के अवसर तलाश रहा था। गुप्पा यादव गिरोह ने इसके पहले भी 5 अगस्त को राजा यादव के ऊपर गोलियां बरसाई थी, लेकिन पैर में गोली लगने से राजा की जान बच गई थी। आज जब राजा यादव अपनी भाभी का इलाज कराने उसे बाइक में बैठाकर पहाड़ी ले जा रहा था, तभी गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर तालाब के पास पहले से ही घात लगाए बैठे गुप्पा यादव और उसके गिरोह ने राजा यादव के ऊपर फायर झोंक दिए। कमर में गोली लगने से राजा यादव गिर गया, तब गुप्पा यादव ने इसके माथे में राइफल सटाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही राजा यादव की मौत हो गई। राजा यादव की मौत से लगभग 1 घंटे बाद चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे और मौका मुआयना किया। घटनास्थल पहुंचे चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डकैतों की गिरफ्तारी के लिए टीमों की गठन की कार्रवाई की जा रही है। इस गांव में PAC पड़ी हुई थी। अभी एक घटना राजापुर थाने में हुई थी, जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से वहां पर पहुंची थी, उधर पुलिस को PAC को शिफ्ट किया गया था। गिरफ्तारी के लिए टीमें बना के कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट में आतंक का पर्याय बन चुका गुप्पा यादव गिरोह लगातार हत्याओं को अंजाम दे पुलिस को चुनौती दे रहा है। हर घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और गुप्पा पर जल्द ही प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। फिलहाल पुलिस की सारी कार्रवाइयां अभी तक हवा हवाई ही साबित हुई हैं।